नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज हम एक बड़ी विशेष एकादशी की बात करेंगे जिसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इस पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करते हैं और इस दिन नियम से पूजा उपासना करते हैं तो जाने अनजाने किए गए सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में यानी पृथ्वी पर भौतिक संपन्नता मिलती है और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिस समय परिवर्तिनी एकादशी रहती है इस समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है, इसीलिए ये व्रत भगवान गणेश और श्री हरि यानी भगवान विष्णु दोनों की कृपा दिलवा देता है। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। जिन लोगों को संतान सुख की या धन की प्राप्ति करनी हो उनके लिए परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत रखना, पूजा करना, साधना करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का संयोग 14 सितंबर को बना हुआ है तो यथाशक्ति हमें इस संयोग का लाभ उठाना चाहिए, व्रत उपवास रख करके पवित्रता से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अब ये जानते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत का नियम क्या है, व्रत का विधान क्या है। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अर्पित करें। पहले गणेश जी के मंत्रों का जप करें, ओम गं गणपतये नमः या वक्रतुंडाय हूं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का
या जूते छाते का दान करें। परिवर्तिनी एकादशी पर कोशिश करें कि अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें, जलाहार या फलाहार ग्रहण करें। अगर आप बीमार हैं और व्रत नहीं रख सकते तो आप सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। पवित्रता के साथ सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करिए और भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी पर यानी पद्मा एकादशी पर कौन से विशेष उपाय किए जाएंगे। पहला उपाय है संतान प्राप्ति का उपाय। वो कैसे किया जाएगा? भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर मोदक या लड्डू अर्पित करें। संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार या 3 माला जप करेंगे। और ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। पति के उम्र के बराबर या पत्नी के उम्र के बराबर मोदक या लड्डू अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भगवान गणेश को एक मिट्टी का या धातु का यानी मेटल का एक चूहा अर्पित करेंगे। इसके बाद उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई, पीला प्रसाद अर्पित करेंगे। और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का 108 बार यानी एक माला या 3 माला जप करेंगे। मंत्र होगा ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गं गणपतये नमः। ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और इसके पूजा के बाद जो धातु का या मिट्टी का चूहा अर्पित किया था, इस चूहे को अपने धन स्थान पर रख लेंगे। निश्चित रूप से जो आपकी आर्थिक समस्या है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है आपकी, वो दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।